तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं हिंदी विषय में से दोस्तों कहां कहां से आपसे कौन कौन से पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिएगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिएगा दोस्तों आपको अभी तक ये कन्फ्यूजन होगा कि हमारी त्रैमासिक परीक्षा में दोस्तों कहां कहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो देखिएगा दोस्तों आपका कन्फ्यूजन आज हम दूर करने वाले हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी विषय के लिए कितने पार्ट तैयार कर लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी तक आपके स्कूल से, क्योंकि दोस्तों हिंदी विषय की तीन तरह की स्टडी मटेरियल आपको मिल गया होगा, एक पुस्तक मिली होगी क्षितिज और एक और इसी प्रकार की पुस्तक होगी और इसके अलावा दोस्तों आपको ब्रिज कोर्स भी स्कूल से मिल गया होगा। दोस्तों आपको इसमें से कितना पढ़ना है, कहां कहां से पूछे जाएंगे पार्ट, आज हम सब कुछ इसमें से देखेंगे और जानेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका पेपर कुछ इस प्रकार का होगा, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। आपका जो पेपर होगा पूरा का पूरा वह पूर्णांक होगा 75, यानी कि टोटल आपका दोस्तों 75 नंबर का पेपर होगा। और अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट समय तक जरूर देखेंगे। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट समय तक जरूर देखा तो दोस्तों इससे ये होगा कि आपको सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे द्वारा आपके पेपर का पूरा सोल्यूशन बना लिया गया है, तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बच्चों की ये समस्या थी कि वो मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव ही बताता हूँ, सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं बताता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, आज मैं आपके लिए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव तो नहीं बताऊंगा, मगर दोस्तों आपके जो 2 अंक वाले क्वेश्चन है, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि आपको दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी विषय के लिए आपको दोस्तों कितना पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों देखिएगा, आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 यानी कि 2022 की जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है कक्षा 9वीं हिंदी विषय का, दोस्तों देखिएगा हमारे द्वारा यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन तैयार कर लिया गया है। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपके स्कूल से जो आपको पुस्तक मिली होगी ब्रिज कोर्स, उसमें से दोस्तों आपको पार्ट 1 से लेके और पार्ट 12 तक का लगभग पूरा ही आपको ब्रिज कोर्स तैयार कर लेना है। देखिएगा मैं आपको ब्रिज कोर्स के पार्टों के नाम भी बताता चलूँ, पार्ट आपको यहाँ पर बता दें, को देखिएगा पार्ट 3 मेजबान आंतरिक्ष की सैर, ये कुल मिला के आपको दोस्तों खासकर पार्ट 3 से लेकर 12 तक के पार्ट जरूर पढ़ लेने हैं, ये आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, ये आपके पास में क्षितिज नाम की पुस्तक होगी, क्षितिज भाग 1, तो भाग 1 में से दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। तो आपका जो क्षितिज नाम की पुस्तक है जिसका कि नाम क्षितिज है, इस पुस्तक में दोस्तों पहला पार्ट दिया गया है गद्य खंड में दो बैलों की कथा। तो दोस्तों देखिएगा दो बैलों की कथा में से आपको ये वाले क्वेश्चन याद कर लेने चाहिए, ये आपके दोस्तों पेपर में पूछे गए हैं, आप सभी लोग यहां से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन के साथ साथ में दोस्तों आप आसानी से यहाँ से इसके उत्तर को भी नोट कर सकते हो। तो आप सब लोग यहाँ से इसके क्वेश्चन को और उत्तर को नोट कर लेंगे और उसी के नीचे दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा दोस्तों, छोटी बच्ची का बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो देखिएगा दोस्तों, छोटी बच्चों का बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, आप पूरा का पूरा यहां से इसको नोट कर सकते हो। इस आधार पर दोस्तों इसका पूरा का पूरा उत्तर आपका तैयार हो जाएगा। क्या लिखा गया यहां पर, छोटी बच्ची का बेलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण थे, क्या क्या कारण थे दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख जान और समझ सकते हो। पहला लिखा है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वे सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, माँ के बिछोड़ने का दर्द जानती थी, उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर है, तो ये वाला आपको कर लेना है। दूसरा लिखा है, जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। तो आप लोग यहाँ से इसको पूरा नोट कर लेंगे। और दोस्तों इसी पार्ट का दो बेलों की कथा वाला जो पार्ट है ना आपका दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन भी दे रखा है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दोस्तों देखिएगा यहाँ से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो कि दिखाए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे पूरा। दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। A to Z क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जो कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे पूरा। तो इसी के अलावा दोस्तों एक अगला क्वेश्चन ये दे रखा है इसी पार्ट का दो बेलों की कथा वाला का, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लेंगे पूरा का पूरा। क्या लिखा गया है, हीरा और मोती गया कि उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय में वो मानव भोजन मिल गया। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे, गया ने उसके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया, इसलिए वे क्षुब्ध थे, परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी, यद्यपि
उससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हुई। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों आप इस प्रकार से यहाँ से इसको नोट कर सकते थे। और उसी के अलावा जो आपका अगला पार्ट है, जी हाँ दोस्तों अगला पार्ट क्या है, ल्हासा की ओर। तो देखिएगा आपका जो ल्हासा की ओर पार्ट है यहाँ से शुरू होता है आपका। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें से पढ़ लेने हैं तो देखिएगा, एक तो ये पीला वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। पूरा का पूरा दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, आप सब लोग इसको देखेंगे, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी, लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने के संबंध में कोई कानून नहीं था, इस कारण वे लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था, तथा कोई दुर्घटना हो जाने पर उसका गवाह भी नहीं मिल पाता था। तो आप पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हो। ये ल्हासा की ओर पाठ का दोस्तों जिसका कि लेखक राहुल संस्कृतयन है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ से याद कर ले, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, जो कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ये भी आप लोग देख लेंगे। और उसी के नीचे दोस्तों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आपका जो गद्यखंड है, पद्यखंड जो है आपका, तो पद्यखंड में से दोस्तों आपका एक पद है साकिया एवं शबद। तो देखिएगा साकिया और शबद नाम का जो पार्ट है ना उसमें से पूछा जाएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। क्या लिखा है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। जी हाँ दोस्तों मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है, आप लोग यहाँ से इसको देखेंगे और पूरा नोट कर लेंगे। और उसी के नीचे दोस्तों अगला एक क्वेश्चन दे रखा आपको, आप सब लोग यहाँ से इसको देखें और नोट कर लेंगे। क्या लिखा गया है, कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए ये बताया है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको इधर उधर ना ढूंढकर अपने हृदय के भीतर ढूंढना चाहिए। तो ये भी आप सब लोग यहाँ से याद कर लेंगे। और उसके अलावा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लिखा है, इसी जगह से आप लोग नोट कर सकते हो, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लें। कक्षा नौवीं के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखना चाहिए। अगर दोस्तों आपने इसको लास्ट समय तक जरूर देख लिया तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो दोस्तों देखिएगा इस जगह से आप लोग इसको नोट कर सकते हो कि दोस्तों सच्चा संत कौन होता है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसको देख ले, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरीके की संकीर्णता का वर्णन किया है। तो सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और नोट कर लेंगे। पूरा का पूरा पेपर दोस्तों आपको परीक्षाओं में ऐसा कैसे देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ से आप लोग देखेंगे, रस्सी पर यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और कैसे हो। तो देखिएगा दोस्तों आपका जो अगला पार्ट है जिसका कि नाम क्या है, वाक। जी हाँ दोस्तों वाक नाम के पार्ट से लिया गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे और आप लोग इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन लिखा है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए गए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों नहीं हो रहे हैं। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा नोट कर लेंगे। ये लिखा गया क्वेश्चन है, आप सब लोग यहाँ से इसको देखें और नोट कर लें। इसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है। तो आप सब लोग यहाँ से भी इसको देखेंगे और नोट कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन और इनका उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखा दिए गए हैं, आप पूरी तरह से इसको यहाँ से देख सकते हो और नोट कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।